हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बैंक की FD, RD और सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पे टैक्स क्यों कटता है, कैसे कटता है, TDS क्या होता है, और अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो जो TDS कटा है उसको कैसे आप रिफंड पा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम समझेंगे इन तीनों चीज़ों के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी चैनल में नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। देखिए, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और RD पर मिलने वाले ब्याज पर भी इनकम टैक्स देना होता है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत इन सेविंग स्कीम्स में जो इंटरेस्ट है उसको अन्य सोर्स से इनकम यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि इन तीनों इन्वेस्टमेंट पे यानी FD, RD और सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर कितना टैक्स कटता है, क्यों कटता है, और अगर ज़्यादा कट गया है या आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो कैसे आप उसको रिफंड पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है TDS। आखिर TDS क्या होता है? अगर किसी की कोई इनकम होती है तो उस इनकम से टैक्स काटकर बाकी रकम उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। तो जो रकम टैक्स के रूप में काटी गई है उसको TDS कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सरकार जो है TDS के जरिए टैक्स को जुटाती है। ये अलग अलग तरह के सोर्स ऑफ इनकम पे यानी आय के स्रोतों पर काटा जाता है, जैसे सैलरी पर, किसी इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाले ब्याज पर, कमीशन पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी संस्थान जो TDS के दायरे में आती है, जो भुगतान कर रहा है, वह एक निश्चित रकम TDS के रूप में काटता है। यानी कि अगर जैसे बैंक है, आप TDS के दायरे में हैं तो बैंक आपको जो भी आपके इन्वेस्टमेंट पे ब्याज देगी उसमें TDS काट के ही देगी। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि सेविंग अकाउंट, FD और RD पे कितना टैक्स कटता है। सेविंग अकाउंट की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80TTA के तहत बैंक हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट हो, इन तीनों चीज़ों पे जो एनुअल आपको ब्याज मिलता है अगर 10,000 रुपये तक है तो वो टैक्स फ्री है, यानी कि उस पर टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन अगर 10,000 से ऊपर है तो आपका TDS कटेगा। 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति हों या HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ये लाभ मिलता है, यानी 10,000 रुपये तक के सेविंग अकाउंट पे आपको TDS नहीं कटता है। उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो आपको TDS देना पड़ेगा। बात करें अगर सीनियर सिटीजन की तो ये छूट 50,000 रुपये है, यानी कि सीनियर सिटीजन अगर 50,000 रुपये तक ब्याज पाता है एक साल में, और नॉर्मल व्यक्ति जो 60 साल से नीचे है वो 10,000 ब्याज पाता है तो उसको TDS नहीं काटा जाएगा। अगर ये लिमिट क्रॉस होगी तो TDS कटेगा। FD की बात करें यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में बैंक FD पर मिलने वाला ब्याज 40,000 रुपये से कम है तो इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। ये लिमिट 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए है, यानी जिसकी उम्र 60 से कम है वो 40,000 तक अगर ब्याज पाता है FD पर तो उसको TDS नहीं काटा जाएगा, लेकिन उससे ऊपर काटा जाएगा। कितना काटा जाएगा? 10%। और अगर 60 साल से ऊपर आपकी उम्र है, आप सीनियर सिटीजन हैं, तो FD से 50,000 रुपये तक की जो आपको इनकम होगी, इंटरेस्ट मिलेगा, वो टैक्स फ्री होगा। 50,000 से ऊपर अगर होगा तो उस पर भी 10% TDS काटा जाएगा। अब RD की बात करें, RD से ब्याज पर जो टैक्स कटता है, अगर 40,000 रुपये अगर आप नॉर्मल हैं यानी 60 साल से कम हैं, और अगर 60 साल से ऊपर हैं तो 50,000 रुपये अगर आपको उस पर ब्याज मिला है, जो FD के रूल है वही सेम RD का रूल है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस पर भी 10% TDS काटा जाता है। 40,000 रुपये 60 साल से कम के लोगों के लिए, और 60 से ऊपर के लिए 50,000 तक नो TDS, उसके ऊपर TDS। अब देखिए, पैन कार्ड क्यों ज़रूरी है?
देखिए, अगर आप TDS के लिमिट में आते हैं और आपने अपना पैन नंबर दिया है तो 10% TDS काटा जाता है, लेकिन अगर आपने पैन नहीं दिया है तो TDS की जो दर है वो 20% हो जाती है। यानी कि अगर आपके पास पैन है तो ज़रूर उसको अपने FD, RD या सेविंग अकाउंट से लिंक जरूर करें, जिससे कि आप कम TDS के दायरे में रहें। सवाल आप सभी के मन में आता होगा कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में ब्याज 10,000 रुपये से ज़्यादा मिलता है, FD, RD में 40,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज मिलता है एनुअली, और आपकी जो टोटल इनकम है वो इनकम टैक्स दायरे में नहीं आती है, तो क्या TDS कटेगा? आंसर है कि TDS नहीं काटा जाता है। इसके लिए सीनियर सिटीजन को बैंक में फॉर्म 15H और अन्य लोगों को फॉर्म 15G जमा करना होता है। अब फॉर्म 15G और 15H क्या होता है? देखिए, ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है, यानी खुद से की गई घोषणा वाला फॉर्म है। इसमें आप ये बताते हैं कि आपकी आय टैक्स की सीमा से बाहर है। जो इस फॉर्म को भरता है उसे टैक्स की सीमा से बाहर रखा जाता है, ठीक है। और अगर इसके बाद भी आपका 10% TDS कटा है और आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो ITR फाइल करने के समय आप बताएंगे, वो आपको रिफंड भी हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको जानकारी पूरी मिल गई होगी, बैंक की FD, RD और सेविंग अकाउंट पे जो भी ब्याज मिलता है उस पर कितना टैक्स कटता है, TDS की क्या लिमिट है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में जान गए होंगे। TDS क्या होता है ये भी आपको पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग, नमस्कार।